हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुगंधा अपने बेटे मोहित के साथ रहा करती थी। सुगंधा काफी बूढ़ी थी, इसीलिए उसके बाल सफेद थे। पर सुगंधा को फैशन करना बहुत पसंद था। बस इसीलिए वो आए दिन अपने फोन में मेकअप को लेकर कुछ न कुछ देखा करती। ऐसे ही एक रात मोहित अपने घर आता है, तभी सुगंधा अपने बेटे की ओर देखते हुए कहती है, बेटा मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं पार्लर चली जाऊं। वहां पर जाऊंगी तो थोड़ा पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। हाँ माँ चली जाना, पर अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो प्लीज खाना मेरे कमरे में ही दे दो। इतना बोलकर मोहित अपने कमरे में चला जाता है, तो वहीं सुगंधा अपने बेटे के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और उसको खाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुगंधा अपनी पड़ोसन कमला के घर जाती है और उससे कहती है, कमला बहन, अरे ओ कमला बहन, कहाँ हो तुम? हाँ सुगंधा, क्या हुआ? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तुझे अपने साथ पार्लर ले चलूँ, इसी बहाने हमें पार्लर का रेट भी पता चल जाएगा और मैं थोड़ा बहुत कुछ करवा भी लूँगी। ना बहन ना, अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे गाँव जाना है। गाँव जाना है? पर वो क्यों? अरे बहन, तुझे बताया तो था कि मेरे बेटे की गांव में शादी है। गांव से शादी कर अपनी बहू को यहीं पर ले आऊंगी मैं। और वैसे ही अब हमारी उम्र पार्लर जाने की थोड़ी ना है, अब तो हमारी बहू पार्लर जाएगी। मैं तो कहती हूँ सुगंधा, तू भी अपने बेटे की शादी करवा दे किसी अच्छी लड़की से, इसी बहाने तुझे पार्लर जाने वाली साथी भी मिल जाएगी और वो तेरी सेवा भी करेगी, क्योंकि तेरे बेटे के साथ साथ तेरी भी तो उम्र निकली जा रही है। हाँ कमला, तू बोल तो बिल्कुल सही रही है। आज ही मैं अपने बेटे से शादी के बारे में बात करूंगी। वैसे भी मेरा बेटा भी शादी लायक हो चुका है अब। हाँ हाँ, तभी तो बोल रही हूँ कि अपने बेटे की शादी करवा दे। कमला की बातें सुनकर अब सुगंधा अपने घर चली जाती है और अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगती है। वैसे कमला बिल्कुल सही बोल रही थी, मुझे भी अब मेरे बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। मेरा बेटा भी शादी के लायक हो चुका है। आज जब शाम को मोहित घर आएगा तब मैं उससे उसकी शादी के बारे में बात करूंगी। सुगंधा अपने बेटे का इंतजार करने लगती है और शाम को जब वो आता है तब सुगंधा अपनी बेटी को रोकते हुए कहती है, बेटा मोहित, जरा मेरे पास तो आ। जी माँ, बोलो क्या हुआ? बेटा देख, आज मैं पार्लर नहीं गई। मैं क्या सोच रही थी कि समय के साथ तेरी उम्र जा रही है और मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि तेरे हाथ पीले कर दूँ। मैं ये हाथ वात पीले करना एंड ऑल ये सब मुझसे मत बोलो, सीधे शब्दों में कहो कि आप क्या कहना चाहती हो। बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तू शादी के लायक हो गया है, इसलिए मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू मुझे बता दे, क्योंकि मुझे लव मैरिज से कोई एतराज नहीं है। मैं तो उसमें ही खुश हूँ जिसमें तू खुश है, और अगर नहीं है पसंद तो भी मुझे बता दे, फिर मैं तेरी शादी के लिए कहीं रिश्ता ढूंढूं। अपनी माँ की बातें सुनकर मोहित थोड़ा सा शर्मा जाता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उस लड़की का नाम क्या है और तू मुझे मेरी होने वाली बहू से कब मिलवाएगा? माँ उसका नाम नैना है और वो मेरे साथ ही काम करती है, मेरी सीनियर है, पर हम दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन लेकिन माँ उसके ना तो पापा है ना उसकी मम्मी है, अभी कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में वो दोनों चल बसे थे। देख बेटा, मुझे मेरी बहू संस्कारी मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मैं अपनी बहू के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, इसलिए अब तू मुझे उससे जल्दी से मिलवा दे। हाँ हाँ माँ ठीक है, और मैं कल ही उसको आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। चलो अभी चलकर खाना खा लेते हैं। इस तरह से अब दोनों माँ बेटे एक साथ खाना खा लेते हैं और अगले दिन मोहित नैना को लेकर अपने घर आता है और नैना को अपनी माँ से मिलवाता है। नैना ये मेरी माँ है और माँ ये है नैना। अब देखो मैंने आप दोनों सास बहू को मिलवा दिया है, अब आप लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। मत जाइए ना, रुक जाइए, मैं थोड़ी नर्वस हूँ, प्लीज। ठीक है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाय मोहित, कितनी सुंदर बहू ढूंढी है तूने मेरे लिए, भगवान मेरी होने वाली बहू को नजर ना लगाए। वैसे बहू मेरा घर देख ले, क्योंकि तुझे ही अब इस घर को संभालना है, तू इस घर को संभाल तो लेगी ना? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं इस घर को अच्छी तरह से संभाल लूंगी, और वैसे भी ये घर भी तो मेरा ही होने वाला है ना माँ जी। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू। नैना ने अपने सर पर दुपट्टा डाला हुआ था, ये देखकर सुगंधा अपनी बहू से कहती है, नैना बहू तूने अपने सर पर ये दुपट्टा क्यों डाला हुआ है? अरे आजकल के जमाने में सर पर दुपट्टा कौन रखता है? माँ जी वो क्या है ना
जब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में थे तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब भी अपने सास ससुर के सामने जाना तो अपने सर पर दुपट्टा डालना मत भूलना। बस इसलिए मैंने अभी तक अपने सर से दुपट्टा हटाया नहीं है। और क्या बहू? माँ जी, वो मैंने अपने बालों को कलर भी करवाया है, बस इसलिए मैं दुपट्टा नहीं हटाना चाह रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे इन रंगीन बालों को देखें। पर क्यों? वो माँ जी, क्योंकि किसी भी सास को उसकी फैशनेबल बहू पसंद नहीं रहती, इसलिए। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? लगता है तुझे अपने होने वाली सास के बारे में पता नहीं है। बहू एक बात बता दूं कि तेरी सास भले ही बुढ़िया है, लेकिन तेरी बुढ़िया बड़ी ही फैशनेबल है। मुझे तो कोई साथी नहीं मिलता, बस इसलिए मैं अपने बाल हाईलाइट नहीं करवा रही, वरना मैं भी अपने बालों को हाईलाइट करवा लेती। अरे वाह, मेरी होने वाली सास तो बहुत ही फैशनेबल है। खैर जो भी हो, मेरी सास मुझे समझे और क्या ही चाहिए। भगवान बस मेरी सास मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मोहित बेटा, मैंने अपनी बहू को देख तो लिया है, पर अब मैं इसको अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ। तो समझ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ हाँ माँ, मैं सब समझ रहा हूँ। जिस तरह से आप इसको अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं, ठीक उसी तरह से मैं भी नैना को अपनी पत्नी जल्द से जल्द बनाना चाहता हूँ। तो देरी किस बात की है? तेरी माँ है ना, मैं अभी कुछ दिनों में तेरी शादी करवा देती हूँ। वाह सुगंधा, तेरी तो निकल पड़ी। तू भी फैशनेबल और तेरी होने वाली बहू भी फैशनेबल। अब आएगा मजा, अब मेरी बहू ही मेरे बालों को हाईलाइट करवा देगी। यस। ये सब कुछ सोचकर सुगंधा मन ही मन खुश हो रही थी। अब इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहित और नैना की शादी होती है, और शादी के बाद नैना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ये देखकर सुगंधा अपनी बहू से कहती है, बहू, ओ बहू, इधर बैठ, कितना काम करती है तू पूरा दिन, बताओ। मेरी बहू खुद पर जरा भी ध्यान नहीं देती। हाय दैया, देखो तो जरा मेरी बहू की स्किन कितनी रूखी है। बहू तू सच बताना, तू लास्ट टाइम पार्लर कब गई थी? वो माँ जी, मैं पार्लर शादी से 2 महीने पहले ही गई थी। क्यों, क्या हुआ? खुद के हाथों को देखा है तूने? चल मेरे साथ पार्लर चल। हाँ माँ जी चलेंगे, पर एक बात तो बताओ, आप पार्लर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? वो बहू, दरअसल मुझे भी मेरे बाल हाईलाइट कराने हैं, और मुझे इन सब की ज्यादा जानकारी है नहीं, तो बस इसलिए मैं पहले कमला के पास गई थी, पर उसके बेटे की शादी थी जिस कारण वो मेरे साथ नहीं गई। फिर उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला मुझे ये सब करवाने का। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो अपने बाल हाईलाइट करवाने के लिए आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? वो मुझे शर्म आती है। माँ जी, इसमें कोई शर्म वाली बात क्या ही है? और अगर आपको बाल हाईलाइट करवाने का शौक है तो ठीक है, मैं आपके साथ पार्लर जाऊंगी। क्योंकि नैना काफी समझदार और नेक लड़की थी, बस इसीलिए अब वो अपनी सास के साथ पार्लर जाती है और अपनी सास के बालों को हाईलाइट करवा देती है। अपनी सास के हाईलाइट बाल देखकर वो अपनी सास को गले से लगाकर खुशी से कहती है, तो ये है मेरी बाल हाईलाइट करवाने वाली सास। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।